भोजपुरी फिल्मों के अमिताभ बच्चन कहे जाने वाले रवि किशन को बीजेपी ने गोरखपुर से टिकट दिया है। गोरखपुर पूर्वांचल के बड़े शहरों में से एक है, जहां योगी आदित्यनाथ सीएम बनने से पूर्व तक सांसद रहे। उस गोरखपुर में बीजेपी का कमल खिलाने की जिम्मेदारी भोजपुरी फिल्म हीरो रवि किशन अपने कंधों पर लिए आज पहली बार गुरु गोरखनाथ की नगरी पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद लेकर लखनऊ से सड़क मार्ग द्वारा अपने काफिले के साथ गोरखपुर पहुंचे। गोरखपुर पहुंचने पर सिने स्टार और भाजपा प्रत्याशी रवि किशन गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर गुरु गोरखनाथ मंदिर में बाबा गोरखनाथ का दर्शन कर पूजा पाठ किया। उसके बाद ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि पर माथा टेक कर आशीर्वाद लिया। अपने अंदाज में फिल्म स्टार रवि किशन ने गुरु गोरखनाथ का जयकारा लगाया। मीडिया से बात करते हुए रवि किशन ने कहा कि बहुत बड़ा आशीर्वाद है गुरु गोरखनाथ का, योगी महाराज जी का, मोदी जी और भाई अमित शाह सहित पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अभिनेता और गोरखपुर से भाजपा प्रत्याशी रवि किशन ने बात करते हुए बताया। इतना बड़ा आशा था।
आशीर्वाद दिया। मेरे जीवन में कोई गॉडफादर देहात का लौटा था, मैं अपनी लड़ाई लड़के यहाँ पे पहुंचा, इतनी बड़ी विश्व की पार्टी मुझे ला के हॉटेस्ट सीट ऑफ इंडिया पे बिठा दी, ये मैं भाग्य कहूंगा। बहुत बड़ा हम पर एक कृपा हुई, एक बहुत बड़ा सरप्राइज। सेवा करना है, देखिए जब आप माँ हम ईमानदारी के तो देश से हमको प्यार दिया, आपको ईमानदार रहना, देश तो हमको ईमानदारी पे ही देश से प्यार, पूरा विश्व क्यों प्यार करता है, रवि किशन नाम पूरे विश्व में क्यों। भैया इधर रवि जी, आपने कहा कि आप भारत की तरह से जिस तरह से खड़ा उन्होंने रखा था, क्या मैसेज देना चाहते हैं? महाराज जी राम है, उनका खड़ाऊ रखा, उनके उनका खड़ाऊ नहीं के पास है, और हम ऐसे सेवा करें। महाराज जी का गद्दी बा, महाराज जी का गद्दी रही, उनकी गद्दी है और उस गद्दी पर किसी का अधिकार नहीं। रवि भैया, विरोधी जो है कि आपको नचनिया का संज्ञा दे रहे हैं, क्या कहेंगे? ये नचनिया, देखिए क्या है कि हम लोग बहुत गरीब, ब्राह्मण गरीब होता है, वैसे मैं मिट्टी के घर में था, मैं सीता माई का रोल करता था बचपन में गाँव में, और उसके बाद नाचना आज पूरे विश्व में इतना सम्माननीय है। आज 50,000 परिवार का हम चूल्हा जलाते हैं वही भोजपुरी इंडस्ट्री से, और वो इसी नाचने वाले के दिमाग के ऊपर। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि रोजी रोटी हम न जाने कितने लोग को दिए स्वयं के अलावा भी, नहीं तो भोजपुरी इंडस्ट्री थी नहीं। तो विरोधी का काम है भूलना, लेकिन वो तो हमारे घर में मिट्टी के घर को बनाने नहीं आए, मेरी माँ को साड़ी नहीं देने आए क्योंकि उनके पास साड़ी नहीं थी, मेरे पिताजी की फटी हुई धोती नहीं बनाने आए, वो तो लड़ाई हमको लड़नी थी, मेरा खेत गिरवी था हमको छुड़वाना था। जिस तरीके से योगी साहब मिले तो क्या उन्होंने कुछ बताया कि किस डायरेक्शन में आपको चुनाव में किस? योगी महाराज जी ने हमको, मुख्यमंत्री जी ने कल 1.5 घंटा बाद बोले हर सबके दरवाजे जाना, कोई बिरादरी नहीं है, तुम्हारे लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबको अपने पास आने देना, सबको मोदी जी की नीतियों के बारे में बताना, क्योंकि प्रधानमंत्री का चुनाव है, और क्या क्या कार्य हुआ गोरखपुर में, और क्या क्या किसानों के लिए, गरीब गुरबा अगड़ा पिछड़ा के लिए सरकार ने किया है और कर रही है, न जाने कितनी नीतियां हैं जो विरोधी बहला रहे हैं, फुसका रहे हैं, 72,000 का चॉकलेट बांट रहे हैं। खैर, उन्होंने बोला सबसे मिलना, कोनो द्वार जितना हो सके हर प्रधान प्रमुख कार्यकर्ता के साथ, संगठन के साथ तालमेल करके हर मीटिंग में पहुंचना, हर द्वारे जाना, खाना नहीं खाना सवेरे, बिछुआ में जहां भूख लगे किसी के घर बैठ के खा ले, अब वो घर किसी का भी, सब लोगों के लिए आला कमान सोचा भैया, भैया भैया हमको नहीं मालूम था संगठन ने सोचा, हम 2 साल से राजस्थान बचा रखे, संगठन भैया कुछ भी सोचता है, सबको नजर रखा, ये याद रखना हर कार्यकर्ता पे संगठन की, योगी आदित्य महाराज की, मुख्यमंत्री जी की, मोदी जी की, अमित भाई शाह की, भारतीय जनता पार्टी के संगठन पे हर कल मुझे, हमारे पास लिस्ट बा मैं बताऊंगा, मुख्यमंत्री जी ने सारे कार्यकर्ताओं का नाम नंबर हिस्ट्री लिख के दी, तो सब उनको सब पता है किसको क्या प्लेसमेंट लेना है, किसको कौन सी रिक्त जगह भरनी है, किसका मन दुखा है तो उसको क्या स्थान देके उसके मन को किसको आगे क्या देना है। मैं ये मुख्यमंत्री नहीं, मैं आपके बारे में पूछ रहा हूँ, जैसे मुख्यमंत्री जी के पास प्लान होगा, आपके पास भी क्या कोई प्लान है? अरे भैया हमारे साथ रहे यहाँ, हमारे साथ बढ़िया है, मैं गरीब लड़का था, भोजपुरी इंडस्ट्री लगाया, मनोज तिवारी आए हमारे साथ, जूनियर आए सांसद बने, यादव, हम तो हमारे इतिहास पढ़वा ना, पढ़ ला थोड़ा तो मालूम पड़ी कि मैं कैसे लेके एक समाज एक भाषा की लड़ाई लड़ा हूँ, समझे, और उसमें हम सबको लेके सुना हो, सुना पढ़ के आगे कराते गूगल महाराज के साथ, तो हमारे इतिहास पढ़कर पता चलिए लड़का रेन कर आया और मुंबई शहर में अपना एम्पायर बनाया, एक इंडस्ट्री बनाई, सब कार्यकर्ता साथ रहेंगे, सब बम बम होगा, सब बढ़ेंगे, मंदिर है।